नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्त सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में बीजेपी महानगर द्वारा विचार यात्रा गोष्ठी का आयोजन। सीएम धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के कई सांसद और विधायक रहे मौजूद। धामी के अवैध मजार के बयान पर राजनीति हलचल। सत समाज इस फैसले से गदगद। सांसद साक्षी महाराज ने फैसले का किया स्वागत। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का डोईवाला दौरा। चल रही परियोजनाओं का लेकर की समीक्षा बैठक। चार धाम को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। फर्जी BMS डॉक्टर मामले में पुलिस ने कोर्ट में पेश की चार्जशीट। 500 पन्नों की चार्जशीट से सभी 19 आरोपियों पर है अलग अलग चार्ज। और भी कई फर्जी डिग्री वाले डॉक्टर रडार पर। और कुमाऊं की सबसे बड़ी जेल हल्द्वानी जेल में 44 कैदी मिले HIV पॉजिटिव। एक महिला कैदी भी है पॉजिटिव। अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्टेड। HIV मरीजों के लिए बनाया गया ARC सेंटर। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अवैध मजारों पर दिए गए बयान ने जहां राजनीतिक हलकों में एक बखेड़ा खड़ा कर दिया है, वहीं संत समाज सीएम धामी के इस फैसले को लेकर खासा नाराज है और गदगद है। वरिष्ठ संत और भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सीएम धामी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि देर से ही सही, पर सीएम धामी ने इस कदम से देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ों पर लैंड जहाज रुकेगा। हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में आयोजित संत सम्मेलन में शिरकत करने पहुंची साक्षी महाराज ने सीएम धामी का स्वागत किया। उधर संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सीएम धामी सरकार की अवैध मजारों पर कार्रवाई को सही ठहराते हुए कहा कि संत समाज लंबे समय से ये मांग कर रहा था और अगर अब भी अवैध मजारों को नहीं हटाया गया तो साधु संत उन्हें हटा देंगे। हम आपको बता देते हैं कि सीएम धामी ने अवैध मजारों को अवैध कब्जे का कारण बताते हुए साफ कहा था कि उत्तराखंड में ये लैंड जेहाद नहीं चलेगा। मुझे लगता है देर से उठाया हुआ एक बहुत ही अच्छा स्तुत्य कार्य है। अवैध कार्य, अवैध मजार या अवैध जो कुछ भी है वो राष्ट्र हटना ही चाहिए। कार का काम है, मेरा काम नहीं है। सरकार चिन्हित करेगी अवैध क्या क्या है और अवैध को हटाने का अगर संकल्प सरकार ने लिया है तो मैं हृदय की गहराई से धामी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ और आशीर्वाद भी देता हूँ। जिन्हें जो आदेश दिया है या निर्णय लिया है शासन के द्वारा वो सराहनीय कदम है। भारत में कहीं भी अतिक्रमण किसी धर्म के द्वारा अगर होता है तो वो निंदनीय है। उत्तराखंड अपने आप में एक देवभूमि है और राष्ट्रीय जो पार्क है हमारा, वन विभाग का जो है, जीव जंतु जिसमें रहते हैं, वहाँ अगर कोई मंदिर या मजार या दूसरा कोई ढांचा खड़ा करता है तो उसको तत्काल वन विभाग को हटाना चाहिए। अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी आ रही है सामाजिक विद्वेष फैलाने की या समाज में कोई भी विघटन होने की कार्रवाई, तो पुलिस को उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी के इस बयान का स्वागत करता हूँ। साधु समाज इससे प्रसन्न है। हम स्वयं भी इसका प्रयास करें, एक नागरिक होने के नाते किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त ना रहें। वीकेंड और चारधाम यात्रा के दौरान ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त बनाए रखने के लिए DGP अशोक कुमार ने पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद DGP ने प्रेस वार्ता कर बताया कि चारधाम यात्रा और वीकेंड के दौरान उत्तराखंड के बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों को नेपाली फार्म से वाया भानीवाला की तरफ डायवर्ट किया जाएगा, जिसके बाद पर्यटकों को भानीवाला होते हुए ऋषिकेश में प्रवेश दिया जाएगा। पुलिस ट्रैफिक के प्लान में श्यामपुर और तपोवन को बॉटल नेक के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनको देखते हुए ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के लिए टिहरी, देहरादून, पौड़ी और तीनों जिले का SP देहात कमलेश उपाध्यक्ष को नोडल और CO ट्रैफिक SP बलूनी को सब नोडल बनाया गया है। हमने दो तो बड़े बॉटल नेक पॉइंट आइडेंटिफाई करे हैं, श्यामपुर फाटक और तपोवन।
और एक ग्रुप छट्टी वाला भी बनता जा रहा है, ऐसे बैराज पॉइंट है, ऐसे हम सारे बोटलनेक पॉइंट आइडेंटिफाई करके इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। एक दूसरा, हमने ऋषिकेश में फुल फ्लेज्ड टीआई दे दिया है। नंबर तीन जो है, वीकेंड्स पे निर्णय लिया गया है कि जो दिल्ली की तरफ से आने वाला ट्रैफिक है, हरिद्वार की तरफ से, उसमें स्टेट की गाड़ियों को छोड़ के, उत्तराखंड नंबर की, बाकी सभी गाड़ियों को वीकेंड पे जो है भानियावाला होके आना पड़ेगा। श्यामपुर होके नहीं आएंगे, भानियावाला होके आएंगे, ठीक है। इसी तरह वीकेंड्स पे जितना लौटता ट्रैफिक है वो गरुड़चट्टी से बाई उधर से जाएगा, हिल रोड से, ठीक है। और तीसरा, इसी इसी में क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए वन वे वीकेंड पे लगेगा, बैराज से ऊपर वाहनों को नहीं जाने देंगे। लालकुआ पहुंचे कांग्रेस एसएससी विभाग के प्रमुख उपाध्यक्ष इंद्रपाल आर्य ने सरकार की नीतियों पर निशाना साधा और कहा कि मौजूदा डबल इंजन सरकार जन विरोधी नीतियों के तहत काम कर रही है और इसका खामियाजा देश और प्रदेश की आम जनता को भुगतना पड़ेगा। यहां नगर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पहुंचकर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में आलम यह है कि शराब की कीमतों में कटौती की जा रही है तो वहीं किताबों में बेतहाशा बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का ध्यान किस ओर है। आज गरीब तबके के लोगों के लिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छी शिक्षा मुहैया कराना मुसीबत का सबब बन चुका है, जबकि सरकारी शराब सस्ती करने पर तुली हुई है, जिससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। देखिए, यही तो हम कह रहे हैं कि ये दुर्भाग्य है हमारा, इस देश का और इस प्रदेश का, जहाँ शिक्षा और जो खाने का सामान है, जहाँ ड्रेस का है, जहाँ पढ़ाई के लिए, जहाँ जीवन यापन के लिए और बच्चे पालने के लिए, जिस तरीके से इन्होंने राशन सस्ता करना चाहिए था और किताबें सस्ती करनी चाहिए थी और स्वास्थ्य में जहाँ ये इतने मरीज लोग हैं, जहाँ स्वास्थ्य के लिए इन्होंने कम करने चाहिए था, लेकिन वहाँ सरकार सस्ती जो कर रही है तो शराब कर रही है। उत्तराखंड के काशीपुर में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस की परेड में देश के प्रथम स्थान पर रही उत्तराखंड की संस्कृति और विरासत की झलक को दर्शाती झांकी मानस खंड का उधम सिंह नगर जिले में प्रदर्शन काशीपुर में प्रदर्शन किया गया। झांकी को स्थानीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के परेड के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति और धार्मिक विरासत को प्रदर्शन करने पर मानस खंड झांकी को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जिसके बाद राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार द्वारा मानस खंड झांकी को आमजन के सम्मुख झांकी के प्रदर्शन के लिए देहरादून से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पब्लिक डे के ऊपर टीवी के ऊपर झांकी देखते हैं तो इतना क्लियर नहीं देख पाते, एकदम झांकी आगे से निकल जाती है। तो ये पर्पस था गवर्नमेंट का कि झांकी को हर आदमी क्लोज पास से देख सके, और हमारी खुशकिस्मती है कि इस बार जो है हमारे प्रदेश की जो झांकी है नंबर वन पे आई है। और आप झांकी को देखेंगे तो इसमें हमारा एक कल्चर, हमारे राज्य का कल्चर, हमारे राज्य की वाइल्ड लाइफ, हमारे राज्य की नेचुरल ब्यूटी, हर चीज़ को बड़ी खूबसूरती से जिसने भी बनाया है उसको रिफ्लेक्ट किया है। माननीय विधायक जी के द्वारा इसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा और चूंकि आज एग्ज़ाम भी है तो हम ऐसा रूट रख रहे हैं जिससे बच्चों का एग्ज़ाम भी प्रभावित ना हो और शहर के जो मैक्सिमम लोग हैं इसका देख पाएँ और इसके साथ फ़ोटो सेल्फी भी लें और अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जनपद महाराजगंज से जुड़े हुए सभी उपस्थित भाई और बहनों, आज मुझे काफी दिनों के बाद महाराजगंज जनपद में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर जनपद महाराजगंज की 1058 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही
2800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात जनपद वासियों को प्राप्त हो रही है। इसके लिए मैं मंचस्थ सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के प्रयासों की सराहना करते हुए आप सभी महाराजगंज वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, विकास की परियोजनाएं बताती हैं कि अब उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के मन में जाति, मत और मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं, बल्कि बिना भेदभाव के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके तक ले जाने के लिए एक नए जज्बे के साथ कार्य करने की एक नई मिशनरी भाव पैदा हुई है। आज ये भावना हरेक क्षेत्र में देखी जा सकती है। महाराजगंज जनपद सीमावर्ती जनपद है। इस जनपद का अपना इतिहास है। कहते हैं जब भगवान बुद्ध की मां अपने मायके जा रही थी तो राम क्राम जाने के पहले अगली खबर की ओर। खबर हरिद्वार के ज्वालापुर से है, जहां ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में संपत्ति विवाद को लेकर चचेरे भाई ने भाई के घर के बाहर ही फायरिंग कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय से दोनों भाइयों में पुश्तैनी संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर चचेरे भाई तरुण ने अपने भाई के घर के बाहर देशी तमंचे से दो फायरिंग कर दी और फरार हो गया। जैसे ही वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया, तत्काल पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। ये कल सुबह एक फायरिंग हुई थी और उसका वीडियो वायरल हुआ। जब सीसीटीवी फुटेज और अन्य माध्यम से जब चेक किया गया तो वो तरुण केवड़िया नाम का और राहुल नाम के दो प्रकाश में आए, और तरुण केवड़िया और उसके चाचा का अपना पारिवारिक विवाद चल रहा था। उस विवाद के चलते ही उनके घर के सामने वो फायरिंग किया था, जिसमें 504, 506 और आर्म्स एक्ट में एक तहरीर आई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या सर, कोई तमंचे बरामद? दोनों तमंचे बरामद हुए हैं। और चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के विशारी गांव में पिछले 27 वर्ष से लापता चल रहे 44 वर्षीय युवक का शव 12 दिन के बाद शनिवार शाम क्षेत्र की कौरा नदी से मिला। पाटी थाने के प्रभारी एसओ नवल किशोर ने बताया कि लापता भुवन चंद्र के परिजनों के द्वारा 3 अप्रैल को पाटी थाना क्षेत्र में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। 27 मार्च से लापता चल रहा था, जिसके बाद पुलिस और ग्रामीणों ने भुवन की तलाश शुरू कर दी थी। प्रभारी एसओ ने बताया कि शनिवार को युवक की तलाश में युवाओं ने गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर कोरा नदी में भुवन चंद्र के शव के मिलने की सूचना पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सौंपा गया। ये थाना पाटी में दिनांक 27 मार्च को बिसारी गांव के एक भुवन चंद्र के अतुलित थे, जो गुम हो गए थे। उनके परिजनों ने थाना पाटी में गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, तो उसकी पुलिस और गांव वालों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई, तो उसमें पता चला कि एक ड्राइवर उन्हें छोड़ा गांव में छोड़ के आया। उसके बाद सुराग मिलने के पर पता चला कि थोड़ा मानसिक रूप से कमजोर था। तो दिनांक 8 अप्रैल को कोरा नदी में उसका शव बरामद हुआ, जिसका पंचायतनामा भरा गया और सुरक्षा की दृष्टि से कल उसे पार्टी स्थल में रखा गया और आज
लोहागढ़ भेज के पंचायता मांगे सब उसके ऊपर जाए कर दिया जाए। तो क्या बताओ भाई, अन्य बुखार था इसको, एक गायब हुआ सब तरफ से, रिश्तेदारी में, बाजार में, जंगल हर जगह पूछताछ की, कहीं वो नहीं मिला। फिर मिला तो उसके बाद फिर गाड़ी की रिपोर्ट मिली कि वहाँ चले गया छोड़ा गांव, मैं थाने में भी रिपोर्ट लगाई 3 तारीख। तो ये कल मिला 4:30 बजे हमको, सब लोग गांव के सब गए ढूंढने, तो कल मिला। फिर उत्तराखंड में इन दिनों सरकारी भर्तियों संबंधित अनगिनत गड़बड़ियों का जैसे सीजन चल पड़ा है। हालांकि उत्तराखंड सरकार द्वारा सख्त रवैया अख्तियार कर पकड़ा विरोधी नकल विरोधी कानून को त्वरित लागू किया जा चुका है, तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड एसटीएफ और अन्य स्पेशल एजेंसियां निरंतर नकल माफियाओं की धरपकड़ और नकल सामग्रियों की बरामदगी कर रही है। इस खेल का भंडाफोड़ करने में दिन रात सरकार जुटी हुई है। अब एसटीएफ द्वारा ताजा एक्शन के मुताबिक आगामी वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के मुख्य मंगलौर के कोतवाली क्षेत्र स्थित गुरुकुल नारसन में एक कोचिंग सेंटर पर ताबड़तोड़ छापेमारी को अंजाम देते हुए दो नकल माफियाओं को धर दबोचा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी नकल माफियाएं हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और इसी क्रम में उत्तराखंड में एक सख्त नकल विरोधी कानून भी बनाया गया है, और इसमें आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं की जाती हैं उनमें लगातार पुलिस के द्वारा सतर्क दृष्टि रखी जाती है। इसी क्रम में एक सूचना एसटीएफ की टीम को प्राप्त हुई थी कि जो रविवार को 9 अप्रैल को वन आरक्षी की परीक्षा होने वाली है उसमें कुछ लोग हैं जो कि इसमें नकल कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उसी क्रम में एसटीएफ की टीम द्वारा नारसन में मंगलौर थाना क्षेत्र में एक कोचिंग सेंटर है जिस पर दबिश दी गई। केदारनाथ धाम यात्रा को सुगम और सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियां और व्यवस्थाओं का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों के साथ केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर की जा रही तैयारी और व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के लिए 17 दिन का ही समय शेष रह गया है, इसके लिए जो भी व्यवस्था और जो भी कार्य किए जाने हैं उन्हें तत्परता से करना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता DDMA को निर्देश दिया है कि यात्रा मार्ग में जिन स्थानों में रेलिंग कार्य किया जा रहा है वहां पर ट्रक रूट में जो भी मरम्मत कार्य किया जा रहा है उन कार्यों को त्वरित गति से करना सुनिश्चित करें। वहीं जिलाधिकारी ने सुलभ इंटरनेशनल को भी निर्देश दिया है कि यात्रा मार्ग पर केदारनाथ धाम में जो भी सुलभ शौचालय तैयार किए जाने हैं उन्हें भी यथाशीघ्र तैयार करना सुनिश्चित करें। देश की सीमाओं से लगी सड़क को स्थिति को लेकर भारत सरकार में सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने डोईवाला के लाल तप्पड़ में स्थित मुख्य अभियंता परियोजना शिवालिक के मुख्यालय में अपर महानिदेशक सीमा सड़क के कार्य क्षेत्र की परियोजनाओं के अंतर्गत चल रहे कार्य की समीक्षा बैठक की। बैठक में मौजूद अधिकारियों के साथ बैठक कर सड़कों की स्थिति की समीक्षा करते हुए उत्तराखंड में आगामी चार धाम यात्रा को लेकर भी अधिकारियों को अव्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। और बाईपास इसीलिए हम चाह रहे थे ताकि भारी ट्रैफिक जोशीमठ के ऊपर शहर की तरफ ना जाए, और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि वो जल्दी बन जाए, तो भारी ट्रैफिक जाएगा नहीं, हल्का ट्रैफिक चलता रहेगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वैसे भी सरकार की तरफ से कई इसके ऊपर विश्लेषण चल रहे हैं। राजधानी देहरादून के IRDT ऑडिटोरियम में बीजेपी महानगर द्वारा विचार यात्रा गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी के कई सांसद और विधायक मौजूद रहे। साथ ही इस अवसर पर पार्टी के जुड़े हुए वरिष्ठ सदस्य भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन वरिष्ठ सदस्यों को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज हम जहां खड़े हैं वो इस वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल है। आज इन्हीं की मेहनत के बदौलत भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। अभी तक की जो यात्रा है उस यात्रा में ऐसे अनगिनत कार्यकर्ताओं ने अपने को तिल तिल जलाकर
पार्टी को शिखर पर पहुंचाने का काम किया। आज पार्टी केवल भारत की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में काम कर रही है, और जो हमारे जनसंघ से लेकर अब तक इन कार्यकर्ताओं ने, इन वरिष्ठ महानुभावों ने अपने आप को लगाने का काम किया, अपने को फंसाने का काम किया, और जो इनके स्वप्न थे कि देश के अंदर कश्मीर से धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना चाहिए, ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में संपन्न हो रहे हैं। वन आरक्षी भर्ती परीक्षा से पहले नकल के रैकेट का पर्दाफाश, मामले में दो गिरफ्तार, तीन अभ्यर्थियों के नाम भी सामने आ गए हैं। आज होगी 624 केंद्रों पर वन आरक्षी भर्ती परीक्षा। आरोपियों की पेपर लीक कर ब्लूटूथ से की थी नकल कराने की योजना बनाई थी। नारसन बॉर्डर से कोचिंग सेंटर के संचालन मुकेश सैनी और रचित पुंडरी को गिरफ्तार किया। मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकेश सैनी और रचित 2020 में भी वन आरक्षी भर्ती परीक्षा में करा चुके हैं नकल। 15 अभ्यर्थियों से 4-4 लाख में हुआ था सौदा। कुछ अभ्यर्थियों ने 50,000 से लेकर 1,00,000 तक दिया था एडवांस। पर्यटन नगरी मसूरी में लगने वाला जाम से निजात पाने के लिए जो मसूरी के समीप टनल बनाई जानी है, उस टनल के शिलान्यास और डीपीआर को लेकर मसूरी के विधायक और सरकार के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और टनल की डीपीआर और मसूरी बाईपास सड़क को चौड़ीकरण करने की मांग की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पूर्व में जो मसूरी टनल की डीपीआर बनाई गई थी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इसलिए पुनः डीपीआर बनाने का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही मसूरी के बाईपास मार्ग चौड़ीकरण करने के लिए 1.5 लेन का बनाने की मांग की गई है जिससे पर्यटकों को सुविधा मिल सके। उसको थोड़ा निकालना थोड़ा सा देखिए, मैं जब दिल्ली के प्रवास के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मिला, नितिन गडकरी से मैंने अनुरोध किया है कि मसूरी का एक बहुत बड़ी समस्या जो बॉटल नेक है लाइब्रेरी, उसके निदान के लिए एक हमारी एक टनल सेंक्शन हुई थी, और क्योंकि उसका डीपीआर बार बार चेंज हो रहा है कि लोगों की आपत्ति थी इसको कहीं और डाइवर्ट किया जाए। मार्च में उसका शिलान्यास होना था लेकिन डीपीआर फिर चेंज होने के कारण उसमें देरी हो रही है, तो मैंने आपसे अनुरोध किया, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि किसी भी कंडीशन में हम जून तक इसका डीपीआर फिर दोबारा करके इसका शिलान्यास। देहरादून पुलिस ने फर्जी बीएमएस डॉक्टर मामले की चार्जशीट कोर्ट में भेज दी है। जल्द ही मामले में ट्रायल शुरू होगा। पूरे मामले में पुलिस ने 19 आरोपियों की चार्जशीट को भेज दिया है कोर्ट में, जिसमें 14 फर्जी डॉक्टर, फर्जी भारतीय चिकित्सा परिषद के कर्मचारी, 2 मुख्य आरोपी और उनके करीब 500 पेजों की चार्जशीट। सभी आरोपियों पर अलग अलग चार्ज बनाकर पुलिस ने कोर्ट में भेजी है। दरअसल लंबे समय से देहरादून में कई बीएमएस डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे थे, जिन्होंने फर्जी डॉक्टर की डिग्री मुजफ्फरनगर के इस्लाम इमलाक से तैयार की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए थाना नेहरू कॉलोनी पुलिस ने 20 आरोपियों को अभी तक अरेस्ट किया है। हमने समय से पहले ही इनके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल कर दी है, और इनके अलावा लगभग 13 डॉक्टर जो जिन्हें हमने अरेस्ट करके जेल भेजा था उनके खिलाफ भी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी गई है। और इसमें 3 जो परिषद के जो कर्मचारी थे जो इसमें वो भी मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी जो है संबंधित धाराओं में पुलिस ने अपनी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी है। क्या सर, जो अभी बचे हुए डॉक्टर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, वो भी अभी उनकी गिरफ्तारी होना भी अभी। हल्द्वानी जेल में 44 कैदी एचआईवी संक्रमित मिले हैं, जिनमें से एक महिला कैदी भी एचआईवी पॉजिटिव मिली है। इससे जेल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। इन सभी कैदियों का हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। जेल में एचआईवी संक्रमित कैदियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। चिकित्सकों की माने तो एचआईवी संक्रमित मिले अधिकतर कैदी ड्रग एडिक्टेड है। हमारे एआरटी सेंटर से जो टीम है वो महीने में 2 बार वहाँ पे जाती है। हमारे काउंसलर जाते हैं, लैब टेक्नीशियन जाते हैं,
जो वहाँ पे कैदियों को स्क्रीनिंग करते हैं, जो पॉजिटिव आते हैं उनको वहीं पे समुचित इलाज और काउंसलिंग की जाती है उनकी। तो हमारा एक रूटीन प्रोसेस है, जो जिस मरीज को भर्ती होने की जरूरत है उसको वहाँ के जो फार्मासिस्ट और डॉक्टर हैं वो रेफर करते हैं, उनको यहाँ एडमिट किया जाकर एडमिट करके उनका इलाज किया जाता है। रूटीनली वहाँ पे स्क्रीनिंग की जाती है, ट्रीटमेंट उनका वहीं पे स्टार्ट कर दिया जाता है, जेल के अंदर ही टीम यहाँ से जाती है हमारे पास आईटी सेंटर से। ये हो सकता है कि वो पहले से पॉजिटिव रहे या ब्लड। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर जिलाधिकारी सोनिका ने कहा कि स्मार्ट सड़कों को छोड़कर हमारे सभी कार्य लगभग अंतिम चरण में हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि जो कार्य अभी जारी है उन पर भी तेजी से काम चल रहा है, जिससे कि स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाए और स्मार्ट सिटी का लाभ लोग उठा सके। जैसे पहले से ही डिटेल्स सभी के साथ साझा कर रखी है, ऑलमोस्ट हमारे सारे काम फिनिशिंग स्टेज पे हैं, स्मार्ट रोड को छोड़ के और जो हमारे सीवरेज के और ड्रेनेज के काम थे। इसके अलावा जो हमारा ग्रीन बिल्डिंग का काम है उसमें भी अब एक्सकवेशन का काम शुरू होने जा रहा है और वहाँ से शिफ्टिंग होना था यूटीसी का वर्कशॉप, वो शिफ्ट हो गया, कुछ पोर्शन रह गया। हमारे यहाँ तो एक ही ग्रीन बिल्डिंग है जिसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टेंडर कर रखा था और उसकी कार्यवाही शुरू होनी है। लैंड का इशू था जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो गया, लेकिन कोटद्वार क्षेत्र के घमंडपुर इलाके में सरकारी शराब की दुकान खुलने को लेकर स्थानीय जनता का विरोध शुरू हो गया है, जिसके संबंध में आज स्थानीय जनता ने स्थानीय विधायक को ज्ञापन दिया और ज्ञापन में कहा गया कि शराब की सरकारी दुकान आवासीय क्षेत्र में खोली जा रही है, जहां दुकान से 50 मीटर की दूरी पर दो क्लिनिक, 150 मीटर के दायरे में दो बैंक, एक सार्वजनिक पुस्तकालय और दो पौराणिक धार्मिक मंदिर स्थित है।